नीरजा भनोट, जन्म 7 सितंबर 1963 1963, पिता हरीश भनोट और माँ रमा भनोट की पुत्री के रूप में चंडीगढ़ में हुआ। नीरजा के पिता मुंबई में पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत थे और नीरजा की प्राइमरी एजुकेशन अपने गृहनगर चंडीगढ़ के सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई। इसके पश्चात उनका एजुकेशन मुंबई के स्कॉटिश स्कूल और सेंट जेवियर्स कॉलेज में हुआ। नीरजा का विवाह वर्ष 1985 में संपन्न हुआ और वे अपने पति के साथ खाड़ी देश चली गई, लेकिन कुछ दिनों बाद दहेज के दबाव को लेकर इस रिश्ते में खटास आई और विवाह के 2 महीने बाद ही नीरजा वापस मुंबई आ गई। इसके बाद उन्होंने पैनम में विमान परिचारिका माने एयर होस्टेस की नौकरी के लिए अप्लाई किया और सिलेक्ट हो जाने के बाद मियामी में ट्रेनिंग के बाद वे वापस लौटी। पैनम फ्लाइट 73 मुंबई से न्यूयॉर्क के लिए रवाना। पैनम 73 को कराची में 4 टेररिस्ट ने हाईजैक कर लिया और सारे पैसेंजर्स को बंधक बना लिया गया। नीरजा उसी विमान में सीनियर परसर के रूप में अपॉइंट थी और उन्हीं की तत्काल सूचना पर चालक दल के 3 मेंबर्स विमान के कॉकपिट से तुरंत सुरक्षित निकलने में कामयाब हो गए। पीछे रह गई सबसे वरिष्ठ सीनियर विमान कर्मी के रूप में यात्रियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नीरजा के ऊपर थी और जब 17 घंटों के बाद आतंकवादियों ने यात्रियों की हत्या शुरू कर दी और विमान में विस्फोटक लगाने शुरू किए तो नीरजा विमान का इमरजेंसी दरवाज़ा खोलने में कामयाब हुई और पैसेंजर्स को सुरक्षित निकालने का रास्ता मुहैया करा दिया। वे चाहती तो दरवाज़ा खोलते ही खुद पहले कूद कर निकल सकती थी, किंतु उन्होंने ऐसा ना करके पहले पैसेंजर्स को बाहर निकालने का प्रयास किया। इसी प्रयास में 3 बच्चों को निकालते हुए जब एक टेररिस्ट ने बच्चों पर गोली चलानी चाही तो नीरजा ने बीच में आकर मुकाबला करते वक्त उस आतंकवादी की गोलियों की बौछार से नीरजा की मृत्यु हुई। नीरजा के इस वीरतापूर्ण सेल्फ सेक्रीफाइस ने उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर हीरोइन ऑफ हाईजैक के रूप में अपनी काबिलियत और पहचान दिलाई। नीरजा को भारत सरकार ने इस अद्भुत वीरता और साहस के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया, जो भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। अपनी वीरगति के समय नीरजा भनोट की उम्र मात्र 23 साल थी। इस प्रकार वे पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला और सबसे कम आयु वाली नागरिक भी बन गई। पाकिस्तान सरकार की ओर से नीरजा भनोट को तमगाए इंसानियत से नवाजा गया। वर्ष 2004 में उनके सम्मान में भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया और अमेरिका ने वर्ष 2005 में उन्हें जस्टिस फॉर क्राइम अवार्ड दिया। नीरजा की स्मृति में मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक चौराहे का नामकरण किया गया, जिसका उद्घाटन 90 के दशक में अमिताभ बच्चन ने किया था। इसके अलावा उनकी स्मृति में एक संस्था नीरजा भनोट पैनम ट्रस्ट की स्थापना भी हुई, जो उनकी वीरता को स्मरण करते हुए महिलाओं को अदम्य साहस और वीरता हेतु पुरस्कृत करती है। उनके परिजनों द्वारा स्थापित यह संस्था प्रतिवर्ष 2 पुरस्कार प्रदान करती है, जिनमें से एक विमान कर्मचारियों को इंटरनेशनल लेवल पर प्रदान किया जाता है और दूसरा भारत में महिलाओं को विभिन्न प्रकार के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने और संघर्ष के लिए दिया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार की धनराशि 1,50,000 रुपया होती है और इसके साथ ही पुरस्कृत महिलाओं को एक ट्रॉफी और स्मृति पत्र दिया जाता है। महिला अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए प्रसिद्ध हुई राजस्थान की दलित महिला भवरी बाई को भी यह पुरस्कार दिया गया था।